तो उसके अंदर हमने नेक्स्ट जेएस पे हेलो वर्ल्ड की जो फाइल बनाई और उसको डिप्लाई किया वर्सेल के ऊपर। आज हम करने जा रहे हैं स्टेप 01 राउट्स का। तो नेक्स्ट जेएस के अंदर जो है वो फाइल सिस्टम राउटिंग दी गई है। इसमें आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आपके पास ऐप का फोल्डर होगा। इस ऐप के फोल्डर के अंदर हमने जो भी राउट बनाना है, जैसे असाइनमेंट में गिवन है कि हमें नेम का राउट बनाना है, तो आपने पहले फोल्डर बनाना है और इस फोल्डर के अंदर एक फाइल बनानी है पेज डॉट TSX के नाम से। अभी जो प्रीवियस पेज डॉट TXX था उसके अंदर मैं इसे कॉपी करता हूँ सारा कंटेंट और इसके अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमने एक राउट बना दिया नेम का और यहाँ मैं इसको चेंज कर देता हूँ वेलकम टू नेम राउट। तो पहले ये था कि यहाँ पर हमारे पास अभी हम बिल्कुल रूट फोल्डर पर खड़े हुए हैं, तो यहाँ से अगर कोई भी मैं XYZ लिखता हूँ और इंटर करता हूँ तो ये मुझे 404 का पेज रिटर्न कर रहा है। लेकिन हमने अभी एक राउट बनाया नेम के नाम से, तो यहाँ पर जैसे मैं नेम लिखूँगा तो अभी जो हमने बनाया राउट तो हम उस पेज की तरफ राउट हो जाएंगे। तो वहाँ पर हमने यही लिखा हुआ था तो हम नेम पेज की तरफ राउट हो गए। तो इस तरह से आपने जितने भी बनाने हैं, जैसे हमारे पास नॉर्मली फोल्डर्स होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर अगर कॉन्टेक्ट का बनाना है तो मैं कॉन्टेक्ट का फोल्डर बनाऊंगा और उस फोल्डर के अंदर पेज की फाइल बनाकर और वहां पर जो भी बनाऊंगा तो मेरे पास वो राउट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैंने ये बना दिया। अब हम नेम पे थे, अब मुझे अगर कॉन्टेक्ट पेज पे जाना है तो स्लैश कॉन्टेक्ट का पेज, तो यहां पर मैं कॉन्टेक्ट पेज की तरफ आ गया। और जैसे अगर मैं इसके अलावा कुछ भी राउट लिखूँगा तो ये मुझे एरर पेज की तरफ भेज देगा। अब उसके अंदर हमने सब राउट्स भी बनाने हैं। अब हमने मिसाल के तौर पे नेम के अंदर हमारे पास मल्टीपल और लिंक्स भी हैं, नेम के आगे भी राउट्स बनाने हैं। तो आपने क्या करना है, नेम के अंदर ही एक और फोल्डर बना देना है, जैसे एड्रेस का फोल्डर है, और इसके अंदर भी आपने पेज डॉट TSX की फाइल बना देनी है और इसके अंदर भी जो भी लॉजिक होगी आपकी वो लिख देंगे वेलकम टू एड्रेस पेज। अब इस एड्रेस का एड्रेस तक हम कैसे पहुँचेंगे, सबसे पहले आप देखिए हम ऐप के अंदर मीन्स होम पेज पे, उसके बाद हम नेम के अंदर जाएंगे, नेम के बाद एड्रेस है हमारे पास। तो उसको टाइप करने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, पहले हमने जाना है नेम के ऊपर और उसके बाद एड्रेस के ऊपर। अब जैसे मैं एड्रेस करूँगा तो यहाँ पर मैं एड्रेस पेज पे आ गया। ये था हमारा स्टेप 01। अब इसको डिप्लॉय करना है वर्सेल के ऊपर, तो उसके लिए नया टर्मिनल ओपन कर लिया मैंने। अब हमने क्या करना है, वर्सेल लिखना है यहाँ पर डिप्लॉय करने के लिए और उसको डिप्लॉय कर रहा है। लोकल पे हमने देख लिया कि लोकल होस्ट पे किस तरह से नज़र आ रहा है। अब हम इसको डिप्लॉय करके वहाँ पर चेक करेंगे वर्सेल के ऊपर। इसने हमारे जो है ना वेब पेज को बिल्ड कर लिया और इसको यहाँ पर डिप्लॉय किया इसने। इसको हम ओपन कर लेते हैं, तो ये हमारे पास मेन होम पेज आ गया। अब इसके अंदर हम राउट्स को भी चेक कर लेते हैं। स्लैश हमने बनाया था नेम का, तो ये नेम पर आ गए हम और नेम के अंदर था हमारा एड्रेस का, तो ये हम एड्रेस पेज पे आ गए। ये था हमारा